नमस्कार दोस्तों, हिजलास में आपका फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट दीपक आज आपको बताऊंगा कि अगर आपका चेक जो है वो आउटडेटेड हो गया है, आपका चेक बाउंस डालने की जो तारीख की लिमिटेशन है वो जा चुकी है, तो आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों, जनरली चेक बाउंस का मुकदमा एक फौजदारी कंप्लेंट होती है, एक प्राइवेट कंप्लेंट होती है क्रिमिनल, जिसमें हर पेशी पे कंप्लेंट को जाना होता है, एक्यूज्ड को जमानत करानी पड़ती है, हर पेशी पे आना पड़ता है, जिस पेशी पे नहीं जाते हैं तो वहाँ पे हाजिरी माफ़ी देनी पड़ती है, तो वो एक फौजदारी मुकदमा भुगतने बराबर होता है। और इस बर्डन से बचने के लिए जनरली समझौते भी हो जाते हैं, और जो चेक बाउंस का मुकदमा उसमें सजा का प्रावधान है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार डबल अमाउंट तक का जो है ना कोर्ट जनरली ऑर्डर भी कर देती है, और साथ में क्या होता है कई बार कोर्ट जो है ब्याज का भी प्रावधान ऑर्डर में रखती है। तो इस सब बर्डन और झमेले से बचने के लिए जनरली पार्टी समझौते कर लेती है, लेकिन बहुत सारे जो बड़े शहर हैं उनमें NI एक्ट की स्पेशल कोर्ट हैं, चेक बाउंस की, चेक की जो ट्रांजेक्शन है वो इतनी ज़्यादा है कि भाई चेक बाउंस के स्पेशल कोर्ट ही बनाने पड़ते हैं। लेकिन अगर आपके चेक की लिमिटेशन ही निकल गई है तब आप क्या करेंगे। जनरली चेक बाउंस का मुकदमा अगर आपको करने जाना है तो उसकी लिमिटेशन जो है वो 30, 15 और 30 दिन की रहती है, मतलब कि आप चेक बाउंस होने के 30 दिन के अंदर अंदर लीगल नोटिस देंगे, लीगल नोटिस में 15 दिन का टाइम देंगे, 15 दिन ख़त्म होने के बाद आप 30 दिन के अंदर मुकदमा दायर करेंगे। अगर आप 30 दिन के अंदर मुकदमा दायर नहीं करते हैं तो आपकी लिमिटेशन निकल जाएगी और कोई देरी माफ़ी इंटरटेन नहीं की जाएगी, आपका चेक जो है वो आप चेक बाउंस का मुकदमा उसके माध्यम से नहीं डाल पाएंगे, आपकी कंप्लेंट कोर्ट में नहीं डलेगी। तो इस सूरत में क्या करोगे आप रिकवरी का दावा डालोगे। रिकवरी का दावा डालने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि आप प्राइवेट कंप्लेंट तो डाल भी नहीं सकते। तो ऐसे में रिकवरी का दावा जो है वो एक सिविल सूट है। सिविल सूट अपनी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो थोड़ी स्लो रहती हैं बजाय कि चेक बाउंस के केस के। तो अब सिविल सूट में अगर आप रिकवरी का दावा डालते हो तो उसमें आपको पहले कोर्ट फीस भी लगा के चलनी पड़ेगी, और अगर आग मान लीजिए कि डिफेंडेंट एक्सपार्टी हो गया, पेश ही नहीं हुआ, तो उस सूरत में भी अगर आपको मान लीजिए एक्सपार्टी एविडेंस में आप चेक को लगा के अपने साबित कर देते हो कि भाई हाँ लेन देन थी, और लेन देन के मामले में चेक दिया गया था, और चेक देने के बाद ये बाउंस भी हो गया था, और विद इन लिमिटेशन हम मुकदमा डाल रहे हैं रिकवरी का, तो तब कोर्ट जो है एक्सपायरी एविडेंस के बाद भी अगर ऑर्डर कर देता है, जजमेंट डिग्री पास कर देता है आपके हक में, तो भी ऐसा हो सकता है कि डिफेंडेंट आपके पैसे ना दे। उसको डिग्री को इन्फोर्स कराने के लिए भी आपको एग्जीक्यूशन डालनी पड़ सकती है, इजराए डालनी पड़ सकती है इसकी, और इजराए में जाके अरेस्ट अटैचमेंट का प्रोसीजर शुरू होगा। और अगर वो जो इंसान है उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो आप उसको अरेस्ट करवा सकते हो, सिविल इम्प्रिजनमेंट में डलवा सकते हो, लेकिन अगर वो मुकदमे में पेश होकर उसको कंटेस्ट करता है तो अपील का प्रावधान भी है, और एक दीवानी मुकदमा जो है वो स्लो स्पीड से चलेगा। तो इसलिए आपको प्रिकॉशनरी तौर पे चेक बाउंस की लिमिटेशन का ध्यान रखना है और चेक बाउंस का मुकदमा टाइमली डालना है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो में दी जानकारी सही लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।